सजेशंस एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं से भी मिले ना, आपको ले लेने चाहिए, क्योंकि लोगों के जो सजेशंस होते हैं ना, वही आपके लिए एक माइलस्टोन का काम करते हैं, एक न्यू आइडिया का काम करते हैं। उसी तरीके से अगर मैं आज के इस नेकलेस की बात करूं, देखिए थोड़े टाइम पहले आपने इसका एक ट्यूटोरियल ऑलरेडी देखा हुआ है, जिसमें मैंने आप लोगों को इसका खाली ये नीचे वाला पैंडेंट है ना, इसको बनाना सिखाया था। आज की इस वीडियो में मैं उसका ही एक सेकंड पैटर्न आप लोगों को सिखाऊंगी, क्योंकि इसका भी मुझे सजेशन मिला है। मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा कि इस पैंडेंट को भी किस तरीके से एक लॉन्ग वे में बना सकते हैं, तो मैंने वही बनाया है आज। आप लोग देख ही सकते हैं कि ये कितना लॉन्ग लग रहा है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि आज का ट्यूटोरियल है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने मेरे से इसका रॉ मटेरियल ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, तो आपके लिए ये एक थॉट है, सेकंड थॉट, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस नेकलेस को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। वियरिंग लुक तो आप लोगों ने देख ही लिया है, फर्स्ट जो नेकलेस बनाया था मैंने उसका वियरिंग लुक भी आप लोगों ने देखा हुआ था, इसका भी देख लिया है। जिन लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसका मैंने इसी पेंडेंट का एक और पैटर्न बनाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां पर जाके उसे देख सकते हैं। वो एक डिफरेंट पैटर्न था, ये एक डिफरेंट पैटर्न है, बट दोनों ही डिजाइन्स ब्यूटीफुल है। तो आपको ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा पैटर्न लेते हैं। तो अगर मैं पास से लुक दिखाऊं, देखिए मिंट कलर मैंने चूज किया है, मिंट बहुत अच्छा भी लगता है। और पेंडेंट तो मैंने नीचे से सेम ऐसे ही बनाया है, बट इसमें जो मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से मिंट कलर में मैंने ये लिया है, और 3 कनेक्टर्स जो होते हैं ना, उसके थ्रू मैंने ये पूरा का पूरा अटैच किया है। पूरी डिटेल तो खैर आपको ट्यूटोरियल के अंदर ही पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। सो गाइज, इसका वेयरिंग लुक आप लोगों को पता चल ही गया है कैसा लगेगा, तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस वाले जो पेंडेंट का एक ब्लैक कलर का डिजाइन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। मगर आज का जो ये पैटर्न है ना, मुझे एक ये एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं आया था, ये आइडिया मेरी एक स्टूडेंट है निशा, उन्होंने मुझे दिया था कि मैम इस नेकलेस को अगर हम लॉन्ग बनाना चाहें तो कैसा लगेगा। तो मुझे लगा यस, ये बहुत अच्छा आइडिया है, जिन्होंने मुझसे इसका मटेरियल परचेज किया हुआ है तो उनको क्यों ना उनको भी मैं आइडिया दूं। तो नीचे की हैंगिंग्स ना मैंने सारी की सारी लगा ली है, ये देखिए हैंगिंग्स इस तरीके से लगाई है, बहुत ही ईजी है। आप अगर इसका ब्लैक सेट का ट्यूटोरियल देखेंगे ना, तो हैंगिंग्स लगा कैसे लगाई है मैंने, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मगर आज के ट्यूटोरियल में हम बेसिकली इसके ऊपर जो लेयर्स अटैच करनी है हम वही सीखेंगे, क्योंकि ये नीचे वाली हैंगिंग इजी है, उसमें आप देखिए आपको आइडिया पता चल जाएगा। और मिंट कलर मैंने लिया है क्योंकि मिंट कलर आजकल बहुत फैशन में है, तो ये पिंक और मिंट का कॉम्बिनेशन ना मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, इसलिए मैंने लिया है। तो चलिए इसको फिर भी मैं एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को देती हूँ कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। इसको बनाने के लिए सिंपली हमें एक चाहिए होगा ये वाला पेंडेंट, और इसके अलावा लॉरियल्स अटैच करने के लिए हमें चाहिए होगी ये पिंक कलर की लॉरियल्स, और इसके साथ में हमें चाहिए होंगे ये मिंट कलर के बीड्स 8 mm ओवल शेप, और हमें चाहिए होगी थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट ऑफ जंप रिंग, और ये स्मॉल हेड पिन हमें चाहिए होगी, इसके साथ हमें चाहिए होगी गियर वायर, देन हमें चाहिए 2 टूल्स एंड 3 पिन कनेक्टर, 3 होल कनेक्टर, बेसिकली ये वाली सी चीजें हमें चाहिए। और हमें चाहिए होगी डोरी, और चाहिए होंगे लॉक बीट्स, दैट्स इट। ये सारी चीजें हमें चाहिए होंगी हमारा आज का नेकलेस ट्यूटोरियल बनाने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे बेसिकली इसके ऊपर की साइड में बस लेयर्स को ही अटैच करना है, तो हम वहीं से ही स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लेयर्स को अटैच करना, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो हमारी गेज वायर है उसको हम लेंगे, और मुझे ये थोड़ा सा लॉन्ग में ही रखना है, तो मैं कम से कम इतनी गेज वायर का लूंगी। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि मेरे बीड्स कितने लगेंगे, सो वो हम देखते हैं कि 2 लेयर लगता है कि मेरा 3 लेयर्स इसमें लगता है, बट वो हम डिसाइड करेंगे लगाने के बाद। ये जो लॉक बीड होती है, लॉक बीड को मैं सिंपली सबसे पहले तो इसमें मैं ऐड करूंगी यहां पर, ठीक है, और लॉक बीड को यहां ऊपर से मैं डालूंगी नीचे इसमें,
और यहां से इसको बैक साइड करते हुए इसी तरीके से ऐसे करके प्रेस कर दूंगी मैं सिंपल। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली अपना जो बीड है ये देखिए इतनी लॉन्ग बीड होता है ये, और ये वाली जो मेरे को मिंट कलर है ना सच्ची में बहुत प्यारा है ये, एकदम वाटर कलर होता है ना उस टाइप का लगता है, तो मुझे इसको बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं फटाफट से अपनी लाइनिंग को इस तरीके से जस्ट मुझे सिंपली बीड्स को डालते जाना है। इस तरीके से पूरे बीड्स को मैं लाइन लेयर कंप्लीट कर लेती हूँ जितना मुझे चाहिए, और फिर आपको दिखाती हूँ इसका लुक। सो देखिए ये मैंने इसमें 15 बीड्स को ऐड किया है। ओके, अब इसके बाद एक लॉक बीड मैं इसमें ऐसे डालूंगी, और ये जो थ्री होल कनेक्टर है ना इसका जो सेंटर वाला होल है, ओके, इसके सेंटर वाले होल में मैं डालूंगी वो इसीलिए ताकि आइट साइड की एक जो दो लेयर और ऐड करती है हमारी वो मैं ऐड कर सकूं। इस तरीके से आ गए। सो यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद मैंने अच्छे से इसको खींच लिया है बेसिकली, और यहाँ पे इसको मैं अच्छे से प्रेस कर दूंगी ऐसे, और फिर इसको कट। ओके, सो ये एक लेयर हमारी बन गई। इसी तरीके से मुझे ये और ये दोनों साइड की लेयर बनानी है, और बट ये देखना पड़ेगा मुझे कि इसमें बीड्स कितनी लगेगी, क्योंकि बीच वाला पोर्शन तो ऊंचा है, यहाँ के दोनों साइड के थोड़े से नीचे बढ़ेंगे, तो उसका हमें थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा कि उसको कैसे एडजस्ट करेंगे हम। मैं लॉन्ग बीड से पहले मैं इसको दोनों साइड का ये वाला पार्ट हमें करना है तो इसको मैं लॉक कर देती हूँ सेम जैसे हमने वो वाला किया था। ओके, अब मैं अगेन यहाँ पे बीड्स डालती हूँ और लेट्स सी देखते हैं इसमें कितनी बीड्स आती हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे बस एक माइनर सा कुछ डिफरेंस लग रहा है, जिससे कि लग रहा है कि हमारा यहाँ पे बीड जो है वो अटक सकता है या रह सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैं ट्राई करती हूँ इसको, क्योंकि अगर इतना बहुत चल रहा है ना तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, तो आपका मैनेज हो सकता है कि अगर मगर अगर गैप ज़्यादा दिखता है तो आपको प्रॉब्लम होगी। एक बार हम इसको ट्राई करके देखते हैं कि हमारा गैप बिना कुछ बीड या क्रिस्टल लगाए बिना कवर अप हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं फिर इसमें एक क्रिस्टल ऐड करूँगी इसी के मैचिंग की मिंट कलर की। ओके, सो देखिए यहाँ पे मेरे ऊपर इतना गैप आ रहा है जिसमें मैं एक क्रिस्टल अटैच कर दूंगी ना तो ये गैप जो है खत्म हो जाएगा, तो दैट मीन्स हमें क्रिस्टल इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो वो मैं ऐड करके आपको इसका लुक दिखाती हूँ। सो देखिए यहाँ पे मैंने एक क्रिस्टल ऐड कर दी है। अब क्रिस्टल ऐड करने के बाद हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा हमारे साइज के डिफरेंस से। मैं ये एक चीज़ आप लोगों को और बता रही हूँ कि कभी आप लोगों को इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक साइज़ हमारा अप होता है, कोई एक साइज़ हमारा डाउन होता है उसका नेकलेस पेंडेंट का या किसी चीज़ का, तो आप लोग इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए अभी बिल्कुल ठीक आ गया, खाली एक मैंने मैचिंग की क्रिस्टल लगाई है। आप इस तरीके से ऐड उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, आप लोगों को उसके लिए पैनिक होने या घबराने की जरूरत नहीं है। और अब इसको मैंने सिंपली लॉक कर दिया ऐसे।
देखिए ये पूरा का पूरा हमने टू लेयर्स का कंप्लीट कर लिया। कैसे किया वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। कभी इन फ्यूचर में आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप इसी तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, ये वाला फंडा बेसिकली। और देखिए ये आप इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे ना, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऊपर स्ट्रेट लाइन जा रही है, हमें ऐसे ही स्ट्रेट लाइन रखनी है। अब मैं इसका थर्ड लेयर भी आप लोगों को अटैच करके दिखाती हूँ, इससे आपके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगेन हमें वायर लेनी है। देखिए जब भी आप वायर लेते हैं ना, तो अपने अंदाजे के लिए जिस साइड पे भी आपको लगानी है तो उसका इतना नापिए, इतनी तो इसमें नॉर्मली आएगी, ठीक है। और मगर आप उसको इतना एक्स्ट्रा लीजिए ताकि आपकी वायर खराब हो जाती है, कट करनी पड़ती है एनी हाउ, सो आपके पास ऑप्शन हो दूसरा उसको रिपेयर करने का या फिर अदर कुछ और करने का। सो देखिए इसमें यहां से मैंने ऐसे निकाला और यहां इसके स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने ये वायर ऐसे डाल दी। इसके अंदर ओके और ऐसे लॉक, देखिए लॉक भी आप प्रेस कर रहे हैं ऐसे, इसको ऊपर से ऐसे ऐसे दाएं बाएं से नहीं, इसको जो लॉक जो है प्रेस करना है ना वो इस शेप में करना है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये आगे की साइड इसका फ्लैट सरफेस आया है। अगर आप ऐसे करेंगे तो इसका सरफेस फ्लैट ऐसे आएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे आएगा। आपको ऐसे ही फ्रंट साइड से ही हमेशा प्रेस करना है, ऐसे कहीं भी दाएं बाएं को होके ब्रश नहीं करना है, फ्रंट साइड से ही करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी वायर या कुछ भी इसमें डालेंगे ना उसकी शेप बहुत अच्छी आएगी। एंड बिलीव मी आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आप ये नहीं कर रहे थे ट्राई। तो अगेन मैं इसमें 15 लेयर्स को इसी तरीके से कंप्लीट करती हूं और फिर हम इसका लॉक करना सीखेंगे, क्योंकि लॉकिंग इसकी बहुत ज्यादा मेन है। सो देखिए अगेन इसके लॉकिंग का टाइम आ गया है और पूरी 15 पीट्स करने के बाद मैं एक मैचिंग क्रिस्टल इसमें डाल देती हूँ। देखिए कभी आप हो सकता है कि आपके पास सेम एज मैचिंग क्रिस्टल ना हो, तो उसमें जो भी इसमें कंट्रास्ट बन रहा हो ना आपके नेकलेस में आप वो यूज कर सकते हैं, कंट्रास्ट भी अच्छा लगेगा। जैसे मैंने इसमें पिंक डाला, अगर मेरे पास अभी एट प्रेजेंट ये मिंट कलर की क्रिस्टल अवेलेबल नहीं होती तो मैं कोई डार्क पिंक उस तरह की क्रिस्टल इसमें ऐड करती। अब ये मैंने अपना एक बीट डाल दिया लॉक बीट और ये जो इसका थर्ड वाला होल है उसमें से मैं इसको पास करूंगी ऐसे और इसको यहां से देखिए बिल्कुल लेयर हमारी स्ट्रेट है सीधे। थोड़ा सा जूम आउट और करके दिखा देती हूँ आपको, तो देखिए ये जो लेयर है हमारी सीधी और एक स्ट्रेट लेवल में आई है। ओके सो यही सेम प्रोसेस हमें करना था इस तरह से तीनों के लिए। सो अब हम इसको लॉक कर देते हैं यहां से, अच्छे से हमने ये सेट कर ली है कि कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था लॉक करने के लिए आपको यही वाली पोजीशन को करके लॉक करना है इस तरीके से। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अब इसी तरीके से मैं इसका सेकंड वाला लेयर ये भी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको इसका पूरा एक फाइनल लुक मिल जाएगा। You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? I feel all that you.
सो गाइज देखिए, आपको थोड़ा सा मैंने समझाया था और थोड़ा सा रनिंग फास्ट दिखाया, मगर आपको कॉन्सेप्ट तो होपफुली क्लियर हो ही गया होगा जिस तरीके से मैंने ये दोनों के दोनों बीड्स की लेयर्स अटैच करी हैं। एंड निशा, होपफुली आपको भी क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको इस तरीके से लॉन्ग और शॉर्ट बनाना होता है तो कैसे बनाएंगे। ओके, अगर इस तरह का कोई डिफरेंस आ जाता है, अब बस हमें क्या करना है, इसमें फटाफट से हम अपनी डोरी अटैच कर देते हैं, फिर मैं आपको इसके इयररिंग्स भी दिखाऊंगी। ओके, सो इस वाले नेकलेस को आप दोनों तरीकों से बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा चोकर स्टाइल में बनाना है, ओके, आज मैंने जो ली है ये मैंने लॉक वाली ली है डोरी, तो हम इसी को ही लगा देते हैं सीधे। मैं भूल गई थी, सो ये मैंने सीधे लगा दी इस तरीके से। ओके, वाओ, सो प्रिटी, एक एक जो बोलते ना लाइक महारानी हार टाइप में, ये उसका एक लुक दे रहा है बेसिकली, और जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो आप लोग देख भी सकते हैं किस तरीके से मैंने ये नेकलेस बना लिया है। और अगर आप ये ऐसा नेकलेस बनाते हैं ना, तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी कि जिस तरीके से मैंने ये नीचे हैंगिंग लगाए हैं, इन दोनों के साइड पे भी आप वैसे ही हैंगिंग्स लगाएंगे तो और भी ज्यादा प्रिटी लगेगा। मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, मैं इसे आराम से बैठ के लगाऊंगी, बट मुझे आपको बेसिकली ऊपर का ये बीड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, सो मैंने कर दिया। सो होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा आज का ट्यूटोरियल, एंड अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे को कमेंट जरूर कर दीजिए। एंड इसके अगर मैं इयररिंग्स दिखाऊं तो देखिए, इसके इयररिंग्स हैं ये मैचिंग के, और इसका पूरा लुक कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है। देखिए, इसमें आप बीच में भी लगा सकते हैं या साइड्स में भी लगा सकते हैं, और भी इसके साइड्स में ऑप्शन है, इस हैंगिंग के अलावा उनमें भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप इसको कितना हैवी करना चाहते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू। सो गाइज, होपफुली आप लोगों को मेरा आज का ट्यूटोरियल और ये जो पैटर्न है पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड साथ ही साथ अगर न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज सब्सक्रिप्शन करने में ना कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक साइड में रेड कलर में लिखा रहा होगा सब्सक्राइब, देन सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ऑल बटन प्रेस कर दीजिए, तो दैट्स इट, आपको यही करना है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सायोनारा।